प्रदेश की सबसे बड़ी जिला परिषद कांगड़ा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी का आखिरकार फैसला हो गया। रमेश बराड़ को जिला परिषद अध्यक्ष व स्नेहलता परमार को उपाध्यक्ष चुना गया। कुछ दिनों से चली आ रही उठापटक व गठजोड़ की राजनीति को विराम लग गया। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई। दूसरी बैठक में 27 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा हो जाना तय था, लेकिन भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या इससे कहीं ज्यादा रही। पहली बैठक में भाजपा 54 में से 33 सदस्यों को अपने साथ बैठाकर स्थिति को स्पष्ट कर चुकी थी। अब तक 4 बार भाजपा इन पदों पर अपने सिपहसालार बैठा चुकी थी। अब 5वीं बार भी भाजपा का सपना पूरा हो गया। सुबह 11 बजे जिला परिषद हॉल में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश राकेश कुमार प्रजापति की मौजूदगी में शुरू हुई। इससे पहले शनिवार को ही बैठक में भाजपा अपने 33 सदस्यों के साथ सदन में पहुंच गई थी, पर कांग्रेस ने बैठक से किनारा ही किया था। उस वक्त कोरम के लिए 36 का आंकड़ा जरूरी था। नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसको वे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे और जिला कांगड़ा को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने अपनी जीत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल का भाजपा पदाधिकारियों का आभार जताया। मैं इसके बारे में बिल्कुल, जो नई जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा, और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकर जी का, हमारे मंत्री विक्रम सिंह ठाकर जी का, राकेश पठानिया जी का, बाकी पार्टी के सभी विधायकगण, बाकी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, त्रिलोक कपूर जी, महामंत्री प्रदेश जिला के हमारे अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, हिमांशु मिश्रा जी, बाकी हमारे यहाँ एमएलए नीता धवाल जी, और बाकी जो विशेषकर मैं धन्यवाद करूंगा उनका, जिन जनता ने मैं यहाँ वोट डालकर जिला परिषद में भेजा है, और मैं सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ वोट डाला। कांगड़ा का विकास करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका, और हमारे मंत्री जी है जो राकेश पठानिया जी है, विक्रम ठाकुर जी है, उन्होंने बहुत ही बखूबी से भूमिका को निभाया, और हम भी इनके आशीर्वाद से यहाँ जिला परिषद में पूरा बढ़िया किसे देंगे? जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वोट डाले हैं, और जीत का श्रेय सारी की सारी भाजपा के नेतृत्व को, और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सारी टीम यहाँ कांगड़ा लगी थी, हमें पता था क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आया है। और ये जो सुबह आपके सामने कितनी शोधी हरकत पे आ गई कि पता नहीं कौन से पेन अंदर लेकर जा रहे हैं, जबकि सबको पता कि वहाँ मोहर लग के जो है पोलिंग होती है, उसके बावजूद ये एक जो घटिया पर की राजनीति करने का इन्होंने प्रयास किया, इसके बारे में वो एक्सपोज हो चुके हैं। आज विक्ट्री हमारी, कन्विंसिंग विक्ट्री हमारी हुई है, और इसके लिए मैं सब पार्षदों को और सारे लोगों को कांगड़ा के, एक उम्मीद ऐसा कुछ नहीं था, अध्यक्ष पद के जो चुनाव होता है जो जीता वो सिकंदर होता, अंत में केवल दो ही लोग थे, पर ये डेमोक्रेटिक राइट है सबकी कि जिसका हक बनता, जो समझता कि मैं भी लड़ना चाहूँगा वो अपनी केस को प्लीड कर सकता है, किसी ने केस को प्लीड किया होगा, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, पर अंत में चुनाव एक कांग्रेस के और एक भाजपा कार्यकर्ता ने लड़ा है, रिजल्ट आपके सामने तक थी। और कोरम पूरा होने के उपरांत सुबह 11 बजे के बाद प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव था उसको आज करवाया गया, तो 1 बजे के आसपास तक लगभग नॉमिनेशन चली हैं। उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 4 नॉमिनेशन आई थी और उपाध्यक्ष के लिए 2। अध्यक्ष के लिए जो 2 नॉमिनेशन आई थी वो विड्रॉ हुई, उसके उपरांत जो इलेक्शन का प्रोसेस है शुरू किया गया, और चुनाव संपन्न होने के बाद जो नतीजे हैं वो इस प्रकार से हैं। जो रमेश सिंह बराड़ है उनको अध्यक्ष चुना गया है, और स्नेहलता है जो उनको उपाध्यक्ष चुना गया है। उसके उपरांत दोनों जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको शपथ दिलाई गई है, और इसके साथ ही जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। कितने कितने मत जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए? देखिए, जो अध्यक्ष पद है उसके लिए जो विनर कैंडिडेट है उनको 23 मिला है, जो हारे हैं उनको, जो जीते हैं उनको 30 मिला है, और जो हारे हैं 23 मिला और 1 नोटा था। और जो उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें जो विजयी रही हैं स्नेहलता, उनको 31 वोट मिले हैं, और जो हार गए हैं उनको 23 वोट मिला है।